अगली खबर है उज्जैन से। फ्रीगंग क्षेत्र में संचालित एक संस्था द्वारा छात्राओं व युवतियों को रोजगार देने के लिए फ्री प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्यूमेंट लेने के बाद अलग अलग कोर्स के लिए 1100 और 2100 रुपए फीस भी ले ली गई, लेकिन इसके बाद भी क्लासेस नहीं लगाई गई। परेशान युवतियों ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में इंस्टीट्यूट संचालक के खिलाफ शिकायत की है। प्रशिक्षण देने के नाम पर छात्राओं से वसूले रुपए क्लासेस नहीं लगने पर छात्राओं ने हंगामा कर दिया और इस जनसुनवाई में वो पहुंची। इस क्षेत्र में संचालित ये संस्था द्वारा छात्राओं और युवतियों को रोजगार के लिए फ्री प्रशिक्षण देने के लिए बात कही गई थी और उनसे पैसे भी लिए गए, लेकिन अभी तक क्लासेस संचालित नहीं है, जिस वजह से परेशान युवतियों ने कलेक्ट्रेट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करी है। फ्रीगंज क्षेत्र में सनशाइन टावर में संचालित होने वाले A1 फ्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा निशुल्क आर्क वेल्डिंग, DCA, PGDCA, बेसिक कंप्यूटर, मेहंदी, इंग्लिश टाइपिंग, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और सिलाई प्रशिक्षण देने के लिए पैम्पलेट्स बांटे गए थे। वहीं प्रशिक्षण के दौरान स्कॉलरशिप भी दिलाने का भरोसा दिया गया था, जिसके आधार पर छात्राएं व युवतियों ने आवेदन कर सभी डॉक्यूमेंट्स और साथ में फीस भी जमा कर दी। प्रशिक्षण के लिए करीब 25 से 30 युवतियों ने आवेदन जमा किए थे। प्रशिक्षण केंद्र पर कई बार युवतियां क्लास लेने भी पहुंची तो इंस्टीट्यूट संचालक ने हर बार बहाना बना दिया और केवल युवतियों को बैठाए रखा। जब लंबे समय से क्लासेस नहीं लगी तो सोमवार को प्रशिक्षण केंद्र पर हंगामा हुआ, मामला थाने पहुंचा। इधर मंगलवार को छात्राओं ने कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देकर निशुल्क प्रशिक्षण के नाम पर फीस वसूलने और क्लासेस नहीं लगाने का आरोप लगाते हुए फीस वापसी की मांग करी है। जनसुनवाई में पहुंची युवतियों ने आरोप लगाया कि सभी लड़कियों से अलग अलग राशि हड़पी गई, लेकिन किसी को भी ट्रेनिंग नहीं मिली। रोजाना लड़कियों को अगले दिन का बोलकर गुमराह किया जाता रहा है। प्रशिक्षण के लिए छात्राओं से डॉक्यूमेंट्स और फीस लेने के बाद इंस्टीट्यूट संचालक जोया शेख क्लासेस नहीं लगाकर रोज छात्राओं को बुलाकर बैठा लेती हैं। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद छात्राओं को उम्मीद है कि निशुल्क प्रशिक्षण के नाम पर उनसे ली गई फीस वापस होगी। गौरतलब है कि इस तरह के निशुल्क प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित की जाती है। उसके बाद में मैम ने फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद हमको रूल पढ़ाए। उनके रूल इतने घटिया थे, हमको लगा फ्रॉड हो सकता है। फिर हमने उनका चुपके से फोटो ले लिया, उन्होंने फोटो लेने से मना कर दिया था, फिर भी हमने फोटो लिया। फिर हमने रिसिप्ट मांगी फॉर्म भरने के बाद में, तो उन्होंने बोला कि हम रिसिप्ट नहीं देंगे। बाद में हम एक घंटा फिर बैठे, मैम से पूछा तो मैम बोलती है कि आपकी क्लास 6 तारीख को लगेगी। 6 को आए, उसके बाद में भी उस दिन भी हम 2-2.5 घंटा बैठे। उसके बाद में मैम बोलती है 7 तारीख से आना। 7 को आए तो उस दिन बोलती है आपकी क्लास कल से प्रॉपर लगेगी। उससे अलग अलग लिए थाने में, हम कल गए थे नीलगंगा थाने में, तो उन्होंने बोला है जो कार्रवाई होगी वो हम कर सकेंगे।